हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटेंसिव स्टडी। आज हम करने वाले हैं लाइक डेसिमल्स। क्वेश्चन फर्स्ट इज पुट अ राइट ऑन द लाइक डेसिमल्स, यानी लाइक डेसिमल्स पे आप राइट का टिक लगा दीजिए। तो पहले हमें ये समझना होगा कि लाइक डेसिमल्स होते क्या हैं। देखिए उसकी डेफिनेशन है, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नोन एज लाइक डेसिमल्स। अब देखिए इसको मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ। पॉइंट के बाद जब डिजिट सेम होते हैं दो संख्याओं में, दो अमाउंट में, तो वो लाइक डेसिमल्स होते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं 5.36, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1, 2, यहाँ पर 10.01। तो पॉइंट के बाद देखना है, यानी आपके राइट हैंड साइड में देखना है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखना है कि कितनी डिजिट्स हैं। यहाँ पर भी दो डिजिट्स हैं, तो यानी कि ये लाइक डेसिमल है। बी 9.003, 10.030। तो देखिए पॉइंट के बाद आपको डिजिट्स काउंट करनी है, यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर भी 1, 2, 3, नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो ये लाइक डेसिमल है। सी 1.01, 1.100। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, 2, 2 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के राइट हैंड साइड में 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, तो यानी कि ये लाइक डेसिमल नहीं है, दिस इज़ नॉट द लाइक डेसिमल। नेक्स्ट इज 35.45 एंड 35.342। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1, 2 दो डिजिट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, यानी ये भी लाइक डेसिमल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इनटू लाइक डेसिमल्स। अब हमें इन क्वेश्चंस को लाइक डेसिमल में चेंज करना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए पहला है 0.8 और दूसरा डिजिट है 9.09। तो देखिए जिस भी डिजिट में नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा हो डेसिमल के बाद, आप उसको बेस बना लो। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो मैंने इसको बेस बना लिया कि मेरे पास पॉइंट के बाद दो डिजिट होने चाहिए, यानी ये 0.8 भी दो डिजिट होने चाहिए। लेकिन आपको इसकी प्लेसमेंट भी चेंज नहीं करनी है, तो आप क्या करेंगे 0.80 लिख देंगे और यहाँ पर 9.09 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में दो डिजिट्स हैं, और देखिए मैंने 8 की प्लेसमेंट भी चेंज नहीं की, 8 अभी भी टेंथ के प्लेस पे है, बिल्कुल डेसिमल के डायरेक्ट बाद में है, और यहाँ पर भी डेसिमल के बिल्कुल डायरेक्ट बाद में, यानी टेंथ के प्लेस पे है। तो आपको प्लेसमेंट भी चेंज नहीं करनी है और उसे लाइक डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है 23.6, 8.234। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स हैं, यानी आपको इस वाले डिजिट में भी पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स होनी चाहिए। एक तो हमें दी हुई है, दो हमें और ऐड करनी है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस 6 लिखिए, उसके बाद 2 0 लिख दीजिए और 8.234 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1, 2, 3 डिजिट्स हो गई, और यहाँ पर तो है ही पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, तो यानी कि ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। सी 2.3, 2.03, 20.003। तो देखिए पॉइंट के बाद जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा है ना, उसको आप बेस बना लो। देखो जैसे इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा हैं, 1, 2, 3 है, तो आप ये समझिए कि मुझे इसमें भी तीन डिजिट्स कर लेने हैं और इस वाले में भी पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स बना लेने हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, 2.3 लिखिए, पहली वाली उतार रही हूँ मैं डिजिट, 2.3 के बाद 2 0 लिख दीजिए, यहाँ पर 2.03 है, तो ये तो लिखना ही है, साथ में पीछे एक ज़ीरो लिखिए। इसके बाद है 20.003, ये तो हमारा बेस था, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए हमने इन दोनों डिजिट्स में पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स सेम कर लिए, यहाँ पर भी 1, 2, 3 है, यहाँ पर भी 1, 2, 3, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1, 2, 3 तीन डिजिट्स हैं, यानी ये तीनों लाइक डेसिमल के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, 12.426, 31.67। तो देखिए जिसके पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा हो, जैसे देखिए ये बीच वाले में ज़्यादा है, तो इसको बेस बना लेना है कि इसमें तीन डिजिट है, तो मुझे इसमें भी तीन डिजिट कर लेने हैं और इसमें भी तीन डिजिट कर लेने हैं। वो कैसे करेंगे, 3.8 लिखिए, एक डिजिट तो है, दो और बना लेने हैं, इसमें तीन डिजिट हो गए। 12.426, इसमें तो है ही पॉइंट के बाद तीन डिजिट, इसको कैसे बनाएंगे, 31 लिखिए, 0.67 लिखिए, एक ज़ीरो लिख दीजिए। अब 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
तीनों में पॉइंट के बाद तीन डिजिट है, यानी अब ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।